Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIIMS Academy. So now we are going to discuss example 4 of chapter 10 circles class 9. एक बार read करते हैं, simple सा question है. In figure 10.33, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals. If angle DBC is equals to 55 and angle BAC is equals to 45, find angle BCD. देखिए मैंने आपके लिए फिगर और साथ में जो एंगल्स दिए हुए हैं वो ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं. कौन कौन से एंगल्स दिए हुए हैं? एक तो आपको दिया हुआ है DBC 55 डिग्री और फिर आपको दिया हुआ है एंगल BAC 45 डिग्री. इज दैट क्लियर? अब आप जरा देखिए ये वाला एंगल, मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाऊँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम सेगमेंट या फिर कॉर्ड. तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 55 डिग्री का आने वाला है. तो पहले ये कर लेते हैं. तो एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी. रीजन क्या है? एंगल्स सबटेंडेड ऑन द सेम सेगमेंट. ठीक है, तो इसका मतलब एंगल डी ए सी भी कितना आ गया? 55 डिग्री. अब हमें यह पता है कि भाई क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री. तो अगर मैं इन दोनों का सम निकालूंगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री. लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंप्लीट एंगल नहीं है, विच इज बी ए डी. तो पहले बी ए डी निकाल लेते हैं. एंगल बी ए डी कैसे मिलेगा? अगर मैं बी ए सी में एंगल बी ए सी में क्या ऐड कर दूं? डी ए सी. तो एंगल बी ए डी कितना आ गया भाई? 45 प्लस 55 विच इज 100 डिग्री. ठीक है, अब देखिए इधर एंगल डी ए बी, डी ए बी अभी जो निकालना है हमने, या फिर बी ए डी कुछ भी लिख लो, प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180. रीजन क्या है? रीजन है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, साइक्लिक. ठीक है, तो भाई ये वाला एंगल हमने ऑलरेडी निकाल लिया कितने डिग्री का? 100 डिग्री का. तो यहां पर हम लिखेंगे 100 डिग्री प्लस बी सी डी 180. ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, तो बी सी डी कितना आ गया? 180 माइनस 100 विच इज 80 डिग्री. तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है. आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है. और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ. प्लीज़ नोट इट डाउन.